सरकारी इदारों में हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी होगी, दफातर भी सुबह 8 बजे खुलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालते ही बड़ा हुक्म जारी कर दिया। वजीर आजम ने हिदायत की कमर कसने, खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा ज़ाया नहीं करना। शहबाज शरीफ ने रमज़ान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने मुआशी टीम को मुआशी सूरत हाल पर तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी। दो नहीं एक हफ्तावार तातील, दफ्तर में 8 बजे काम का आगाज। वजीर आजम ने ओहदा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ सुबह सवेरे दफ्तर जा पहुँचे। वजीर आजम ऑफिस के अमले की दौड़े लग गयी। वजीर आजम ने दफ्तर के औकात कार बदलने का हुक्म जारी कर दिया। रमजान में काम 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे शुरू हुआ करेगा। वजीर आजम ने हिदायत की कि कमर कस लें, खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा जाया नहीं करना। ईमानदारी, शफाफियत, मुस्तादी और अंतक मेहनत उसूल है। शहबाज शरीफ ने रमजान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। कहा सस्ते बाजारों में मयारी और कम दाम पर अशिया की फरहमी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, कम अज कम उजरत 25,000 रुपए करने पर फौरी अमल किया जाए। शहबाज शरीफ ने माशी टीम के साथ भी हंगामी बैठक लगा ली। इजलास में मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, अली मलिक, आयशा गौस पाशा ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने मुआशी टीम को अहम टास्क सौंप दिए। टीम मुआशी सूरत हाल पर तजावीज़ मुरतब करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।